तो ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि अपने पास ना दो टैंक्स हैं, ये दो वाटर टैंक हैं, वन नंबर और टू नंबर का, दोनों में एच हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। और ये दोनों जो टैंक हैं ये एक बिल्डिंग के ऊपर रखे हैं जिसकी हाइट है कैपिटल एच। कैपिटल एच और स्मॉल एच में अपन को रिलेशन गिवन है। यहाँ पे होल कर रखे हैं, इधर दोनों साइड पे होल कर रखे हैं और इन होल्स में से पानी निकल रहा है। जो दूसरा वाला टैंक है, जो सेकेंड वाला टैंक है, इसके साथ एक पाइप कनेक्ट कर रखी है और यहाँ से एक्चुअल में पानी यहाँ से आ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले वाले को टैंक को एम्प्टी होने में T1 टाइम लगता है, दूसरे टैंक को एम्प्टी होने में T2 टाइम लगता है। तो T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या होगा ये अपन को पता लगाना है। ये क्वेश्चन है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। तो सिंपल है कि अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं, A1V1 बराबर A2V2। तो ये अपना A1 एरिया ये हो जाएगा, V1 ये हो जाएगा। आपको पता है यहाँ से वाटर निकलेगा कितनी हाइट तक भरा हुआ है, एच हाइट तक भरा है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगी √2gh। तो स्मॉल A into √2gh और A2 ये वाला एरिया टैंक का एरिया, और ये जो हाइट है पानी की हाइट है एच हाइट, किस रेट से कम होगी, DH/DT से कम हो रही होगी, वही पानी की स्पीड होगी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। तो माइनस DH/DT, DT को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, ये पूरी टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेंगे नीचे। तो यहाँ पे अपने पास RHS में होगा -A/A DH/√2gh और यहाँ लेफ्ट साइड में होगा DT। इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली टाइम ज़ीरो था तब पानी का टैंक एच हाइट तक भरा था, टाइम T1 पे पानी का टैंक कोई हाइट नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है, सो ज़ीरो। सिंपल इंटीग्रेशन है, √2g को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और DH/√h का इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाएगा √2h। लिमिट साइड से ज़ीरो, लिमिट सब्सिट्यूट करने पे -2√h बचेगा, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, T1 टाइम ये लगेगा। सेम इस टैंक के लिए कहानी करनी है, तो ए ये हो जाएगा A2V2, ठीक है, V2 की जगह सेम आ जाएगा अपने पास -TH/DT और V1, क्योंकि अब यहाँ पे कितनी हाइट से पानी आ रहा है तो ग्राउंड से टोटल हाइट लेनी पड़ेगी, तो अब टोटल हाइट हो जाएगी H+H। यहाँ से पानी निकलेगा √2g H+H वेलोसिटी से। तो स्मॉल ए पाइप का एरिया और इनटू जो वेलोसिटी है पानी की पाइप में बाहर निकलते हुए √2g H+H। A2 की जगह A आ जाएगा, V2 की जगह -DH/DT। फिर से वही चीज़ करेंगे, DT इधर चला जाएगा और ये वाला पूरा टर्म RHS में नीचे आ जाएगा। एंड अगेन 0 से T2 टाइम तक इंटीग्रेट करना है DT को, और यहाँ से इंटीग्रेशन करना है हमको इसका √H+H का, √H+H का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को, √H+H का। तो ये कांस्टेंट है अपना, ये पूरा का पूरा टर्म, तो ये बाहर रखेंगे और ये वाला टर्म रूट के साथ में अंदर ले जाएंगे इधर। एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, अपन इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर देंगे, एच से ज़ीरो है, ज़ीरो से एच कर देंगे, माइनस का साइन हट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे -2√h हो गया था, तो सेम वे यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन तो हट जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है √2h+h, ठीक है, ज़ीरो से h तक। तो हायर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ स्मॉल h, तो अपने पास आ जाएगा √h+h माइनस, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे यानी कि ज़ीरो इन प्लेस ऑफ स्मॉल h, तो माइनस √h बचेगा अपने पास, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है। अब अपन को एक पीछे रिलेशन पता है ये वाला, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल H बराबर 16/9 स्मॉल h। तो कैपिटल H बराबर 16/9 स्मॉल h वैल्यू पुट कर देंगे, इधर भी पुट कर देंगे, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9/25h और यहाँ हो जाएगा -√16h/9। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बनेगा अपने पास, ये तो बाहर कॉमन एज इट इज़ चल रहा है, √h/3, ठीक है, तो ये T2 आ गया अपना, 2a√h/√2ag3, राइट। यहाँ पे जो अपना ये जी है ये भी रूट के अंदर ही है, जी इज़ ऑल्सो अंडर रूट, राइट, ये जी अंडर रूट में है, यहाँ पे भी अंडर रूट में है जी, ठीक है। तो अपन को अब T1/T2 करना है, आप देख सकते हो
सिर्फ ये थ्री एक फैक्टर आ रहा है, बाकी सब कुछ अपने पास कांस्टेंट है. 2a root h और root 2 ga, सो 3. सो t1 by t2 करेंगे अपन, तो अपने पास अपना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे. t1 by t2 करते ही 3 अपना आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन.